हेलो राधे राधे, मैं आपकी अपनी सुजाता फौजदार। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त चंगी नई हूँ। मैंने कल ब्लॉग डाला ही था, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी लोगों को। और आज हमारी कॉलोनी में भी गणेश जी आ रहे हैं। अभी निष्कर्षण चल रहा है, अगर वो कंप्लीट हो जाए, लेकिन ये पक्का है कि हाँ, स्थापना आज, मूर्ति स्थापना जरूर होगी गणेश जी की। और फिर दिखाती हूँ कि कैसे कैसे लगे पड़े सब लोग इकट्ठा है। मम्मी भी ऊपर हैं, तो वो जो भी जितने दिन का प्रोग्राम होता है, 7-8 दिन का अपने ऊपर होता है, 5 दिन है ना, तो मज़े आने वाले हैं। बस भगवान जी मुझे ठीक कर दो। मैं भी बस आज थोड़ा सा हल्का हल्का नहा लूँगी, हल्के गर्म पानी से कपड़े चेंज करवा के फिर चले जाऊँगी पूजा में। तो आज आने वाले हैं मज़े, क्योंकि गणेश जी आने वाले हैं। तो गणपति बप्पा मोरिया। चलो अब दिखाते हैं गणेश जी की पधारने वाली जगह है तैयार। जी हमारी गली की आंटी ने सब ने सजाए, और भी बच्चे वगैरह सब थे। हाँ तो अभी वो सजाया जा रहा है। नहीं मैं बता रही हूँ कि अभी सजाया जा रहा है, उसके बाद में मूर्ति पधारी जाएगी। ये हो गए रेडी ये दो तखत। चलो अब मैं भी रेडी होके आती हूँ, आज मैं भी नहा लूं। नहाया तू आज तो कछु ना, गणेश जी देख लेंगे अपने आप, कछु भी मारना है जाऊं बस। ओके टाटा बाय। तो मंदिर पे गए सब लोग, गणेश जी ने लेवे का गए सब जने, गए गए सब जने। नानी तुम ना गई, मैं वक के जाऊं, मैं तैयार है वे आ रही थी तो मैं तैयार था ना भाई। चके ड्रेस अप को मामलो बिगड़ गो सब रो, कभी कुछ मिल रहा है तो कभी कुछ। फिर ये लोग ले ही आए गणपति बप्पा को मंदिर से लेने के लिए गए, वहां से लेके आएंगे। तो मैं दौड़ लगा के जाऊं जल्दी से पहुंचू। ये नहीं तो वैसी पैंट वैसी पर ही है। मैं तिलक लगा रही थी, वो भी पता नहीं दिख रहा है या नहीं, उल्टा सीधा लग गया। कुछ भी नहीं, सारा मामला बिगड़ गया। मैं सोच रही थी मराठी साड़ी वाड़ी पहनूं के फोटो वोटो खिंचवाऊंगी। चलो ये आगे गणेश जी महाराज। माई बाप तेरा है, तेरे रे कछु कर ले रे। मेरे को गाना नहीं आता है, भजन है, सॉरी भगवान जी। जे आ गए हमारी गली में गणेश जी महाराज। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जय जय गणेश जी। चौकी पे रख गए और देखो छोटे से मूसक महाराज दिख रहे हैं। और जय हो गणेश जी महाराज की जय। जय हो मेरे नाथ। जो पूजा को सब सामान तैयार कर जा रहे, बोरे देखो पान के पत्ता जो कि इनने बहुत पसंद, धूप घास और पूजा की सामग्री जो भी माला होंगी बोरी गुलाब। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ओके। तुम्हें कछु कहना है? हाँ जो पंडित जी महाराज है वो श्लोक विश्लोक मारे भैया कर कर पुकार है दोबारा मारो। जी जी बावर है दोनों जी जी। अच्छी बात ना, देखो निकाल ली तुमने चुप, ऐसे किसमिस नहीं निकालेंगे तुम, पकड़ गई तुम कैमरा की कैद में, चुपचाप चुपचाप खा रही है हैं? चलो तो चलो, पहले यहाँ तो दरवा दो हमारे।
काम के मंत्र तो आ जाओ देखा बैठा रहे के मंत्र बोलो तो तुमने मंदिर सिद्धि बुद्धि सब के बात आदि हिस्सारी तुम बोलो तुम बोलो तुम पधारो आदि पधारो डीजे बजाएगा मतलब भजन चलेंगे तो एक भाभी जी बैठी एक वो पल्ली बैठी और वो पल्ली बैठी जे रही और जे आ रही सब गई के जाके जाके डीजे का कोई बोर्ड हो तो बाहर ले आओ वो बोर्ड की जगह आंटी जेको जिनने उठा लाई है जल रन मैं वो जलरन ने उठा लाई है मैंने तुम तो कह की गई अच्छा ला रही है बोले की तुम तो जलरन नहीं ले गई है का मैंने जिन में कैसे बिजली चली जागी मैंने कही जी डीजे चलना वो आके गए तो पल्ला वो आंटी पे आदर के जी डीजे चलना है मैंने भैया वो डीजे ना चलना ऊपर वायर ने उठा ला कूलर वारे है बैरी फनी गली बैरी फनी मुंडे बैरी फनी महिलाए नन्ने नन्ने बच्चे कार्यकर्ता लगे पड़े हैं हेलो हेलो नहीं धूप ही है काला जादू नहीं नहीं धूप पूरी आ गई अब जैसे डीजे चलेगा धुआंधार कहीं भी दे पलंग इलंग जहां मिलंग भैया रन ने आवाज आनी चाहिए बिल्कुल हाँ पंजाबी तो सुन लिया वो हरियाणी भी सुन ले हैं बजाएगा तो लड़के जाएगा जहाँ दद्दे बीच वाली जगह में ना ठुकरो सवन्ना दीख रहो टेंशन मत लियो तो देखिए दोस्तों कितनी तेज बारिश हो रही है बहुत भयंकर तरीके से। मैं सोच रही थी कि रात की आरती गणेश जी की करके तब मैं अपने ब्लॉग का अंत करूं, लेकिन बारिश यहाँ आधा घंटा हो गया, बहुत भयंकर बारिश हो रही है और स्पीड बढ़ती जा रही है। पूरी छत पे तो हमारी पे पानी भर गो, देखो मिस्त्री ने ऐसा डार करवा लाला काएगो। ठीक है मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। राधे राधे, हैप्पी गणेश चतुर्थी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में जरूर बताइएगा।